हे गाइस, दिस इज श्याम एंड यू वाचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम 72-94 बोर्ड की टेस्टिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई 72-94 के बोर्ड की टेस्टिंग की वीडियो कब आएगी, सो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं 10 इंच के बूफर यूज़ करूँगा। आप वीडियो के आगे देख सकते हैं कौन सा बूफर यूज़ करूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना रखी है, सो आप मेरे चैनल सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ कैसा बोर्ड है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको अंदाजा लग जाएगा। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे 72-94 का बोर्ड है, जो कि डबल आईसी में 200 वाट का आता है। सो इसकी वायरिंग की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, सो आज की इस वीडियो में आपको वायरिंग करके नहीं बट यहाँ पे साउंड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप वायरिंग जानना चाहते हैं, वैसे तो वायरिंग पूरी करी हुई आती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जा करके, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड है। और गाइज़, यहाँ पे थोड़ी सी और मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लूँगा, जो कि गाइज़ यहाँ पे हमारा सेकंड चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका, सो जल्दी से जाकर के आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आपको ये बोर्ड चाहिए, अगर आप मुझसे लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज़, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को। गाइज़, यहाँ पे वीडियो में मैंने 3 सॉन्ग प्ले किए हैं, जिसमें कि एक बेस से रिलेटेड है, एक ट्रेबल से रिलेटेड है, एक नॉर्मली है, ठीक है। सो इसमें आपको बेस टेस्टिंग भी मिलेगी, साथ ही ट्रेबल टेस्टिंग तो है ही, ट्रेबल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बेस जब हम बॉक्स में फिट कर लेंगे तब इसका जो एक्चुअल बेस है वो पता चलेगा, लेकिन अभी आप इसके पंच के हिसाब से देख सकते हैं इसका जो बेस है वो कैसा आ रहा है। सो फाइनली अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि गाइज इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कनेक्शन कैसे करने हैं। सो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है। एक बार मैं आपको तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ये ना कहो कि भाई आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें अलग कनेक्शन थे और यहाँ पे आपने अलग कनेक्शन किए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए वॉल्यूम कनेक्ट किया है, और वॉल्यूम कनेक्ट करना मैंने आपको अपनी वीडियो में सिखा रखा है, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसके थ्रू आप वॉल्यूम के कनेक्शन कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए इनपुट का सेक्शन है, यहाँ वॉल्यूम कनेक्ट है, और जो आउटपुट का सेक्शन है वो यहाँ पे ब्लूटूथ के इनपुट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट का हो गया। उसके बाद गाइज, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 24024, बट गाइज़ यहाँ पे मैं इसको 12012 से चला रहा हूँ। ये देख सकते हो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है, और उसी से चला रहा हूँ गाइज़, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 24024 यूज़ करोगे तो आपके आईसी के उड़ने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है वो आईसी वाला बोर्ड है, और आईसी में अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वोल्टेज जाता है तो आईसी फूक जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए गाइज़, आप यहाँ पे 24024 यूज़ ना करके 18018 यूज़ करिए, जिससे कि जब आप उसे डीसी में कन्वर्ट करो तो वो अपने आप ही 24024 के पास पहुँच जाए, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 10-10 इंच के बूफर हैं, ठीक है। ये 80 वाट से लेकर के 800 वाट तक को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पावर सप्लाई का जो भी सेक्शन है, जिससे मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ। और गाइज, ये जो हमने बनाया था बट इसका बेस वाला जो किट था वो मैंने निकाल करके किसी को बेच दिया, ज़रूरत थी उनको। तो गाइज, यहाँ पे पूरा सेटअप ऐसा है, तो इसको मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। और गाइज, इसकी एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने पूरा फुल वॉल्यूम पर इसे बजाया, और इसका जो आवाज़ था ना वो बिल्कुल भी नहीं फट रहा था। क्या पता ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉक्स में नहीं है, बॉक्स में जब बेस बनता है तो आवाज़ फटती ही फटती है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आवाज़ नहीं फटेगी, बट मैं यहाँ पे आपको फुल वॉल्यूम पे चला करके दिखाऊंगा, आप अपने आप जज कर सकते हो कि इसका आवाज़ जो है वो फट रहा है या नहीं। बाद में जब इसके लिए मैं बॉक्स बना लूँगा तो हम इसे बॉक्स में भी एक बार चला करके देखेंगे इसका साउंड कैसा आ रहा है, बट अभी फ़िलहाल तो मेरे को साउंड टेस्टिंग करवानी थी। सो यहाँ पर साउंड टेस्टिंग आपके सामने है, तो यहाँ पर मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ एक, ठीक है, जल्दी से। सो गाइस, देखिए यहाँ पे मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले किया है, बट क्या करूँ, फिर भी कॉपीराइट आ ही जाता है। बट फिर भी देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बिल्कुल कम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को मैं तेज़ करता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, जिसमें कि बेस काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हैं,
सो गाइज, अभी आपने देखा स्पीकर मतलब जो हमारे बूफर वो कैसे हिल रहे थे चलाने की वजह से। सो गाइज, अगर आप इसे बॉक्स में पैक कर देते हो, फिट कर देते हो, तो इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, ठीक है। और गाइज, चलिए बात करते हैं इसे हीटअप के बारे में। सो गाइज, 12012 से चलाने के बाद उतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, मैं इसे कम से कम आधा घंटे तो हो गए चलाते हुए और बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, नॉर्मली हल्का सा हीट हुआ है। सो अगर आप 12012 से चलाना चाहते हैं तो आपका IC सेफ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलेगा, या फिर आप 18018 भी से भी चला सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे अभी तक आपने देखा मैंने जो सॉन्ग प्ले किया, अब गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा बेस वाला सॉन्ग प्ले करूँगा, रिंगटोंग टाइप। सो वहाँ पे आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और गाइज, इसकी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका जो ट्रेबल है ना वो काफ़ी क्लियर है, ठीक है। बेस का क्योंकि मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये बॉक्स में पैक नहीं है, लेकिन गाइज इसका जो ये पंच था वो काफ़ी अच्छा आ रहा था ऊपर की साइड, ठीक है। तो अगर हम इसे बॉक्स में फिट करते तो मुझे लगता है कि इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सो जल्द ही वीडियो आएगी जब इसका बॉक्स मैं बनवा लूँगा या फिर बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नॉन कॉपीराइट दूसरा जो म्यूज़िक टाइप सॉन्ग होता है रिंगटोन टाइप उसे प्ले करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको एक NCS का सॉन्ग प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो देखना, सो गाइज, आप लोगों ने देखा इसका जो साउंड है वो कितना अच्छा आ रहा है। गाइज, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसका जो साउंड है वो इतना क्लियर आएगा, ठीक है। मैंने ट्रांजिस्टर वाला भी चेक किया, उसमें भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, जो हमने 3055 के साथ चेक किया उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो मुझे यहाँ लगता है कहीं ना कहीं स्पीकर भी अच्छे हैं, इस वजह से ऐसा साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे बूफर अच्छे नहीं होते तो ऐसा साउंड नहीं आता। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एम्पलीफायर के लिए उसका बूफर जो आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो। सो गाइज, इसके ऊपर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई 7294 का साउंड टेस्टिंग कब आएगा। सो फाइनली आ गया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक ज़रूर कर देना, और गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि जो मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।